चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होगी वोटिंग। पहला चरण 27 मार्च और आखिरी 29 अप्रैल को होगा। असम में 3 चरणों में होगा मतदान। 5 राज्यों के नतीजे 2 मई को होंगे घोषित। तीनों दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में पड़ेंगे वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बोले, चुनाव में शामिल सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले लगेगा कोरोना टीका। वोटिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.4% की बढ़ोतरी। चालू वित्त वर्ष में पहली बार विकास दर रही सकारात्मक। बढ़ती तेल की कीमतों पर बोले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कच्चे तेल की कीमतें सर्दी के कारण बढ़ी। सर्दियां खत्म होने पर कीमतें भी धीरे धीरे कम होंगी। विपक्ष ने बयान को बताया एक क्रूर मजाक। देशभर के व्यापारी संगठनों द्वारा शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, जीएसटी और ई-वे बिल के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। देश के कई शहरों में रहे बाजार बंद। हरियाणा सरकार यूपी की तर्ज पर लाएगी गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक तैयार, आने वाले बजट सत्र में विधानसभा में करेंगे पेश। हवाई यात्रा में कम लगेज ले जाने का मिलेगा फायदा। नए नियमों के तहत जो लोग सिर्फ कैबिन लगेज के साथ यात्रा करेंगे उन्हें किराए में मिलेगी छूट। अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंजूरी के बाद हुआ हमला। इराक में कुछ दिन पहले हुए रॉकेट हमलों के जवाब में हुई कार्रवाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के करीब मिली विस्फोटकों से लदी गाड़ी। मुंबई पुलिस और एसटीएफ जांच में जुटी, घर की सुरक्षा बढ़ी।